ये जीवी फिल्म्स का 25 ईयर्स सेलिब्रेशन है, तो आपको याद है आपको किस प्रोडक्शन हाउस ने पहला ब्रेक दिया था आपके ग्लैमर इंडस्ट्री में इंट्री के लिए? मुझे टीवी इंडस्ट्री में पहला अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया मेरा डेब्यू वो रवि चोपड़ा जी ने किया था, और पहली टीवी सीरियल जब बनी थी जिस पर मैंने डबल रोल प्ले किया था, द फर्स्ट टेलीविजन शो कॉल परी हूँ मैं ऑन स्टार वन। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि बड़े प्रोडक्शन हाउस का बैकअप होना कितना है किसी के करियर के हिसाब से? बड़े प्रोडक्शन हाउस का अलग ही होता है, क्योंकि हाँ डेफिनेटली लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती है, बट आई फील दैट स्ट्रांग स्क्रिप्ट और एक स्ट्रांग कैरेक्टराइजेशन होना भी बहुत बहुत जरूरी है फिल्म में, क्योंकि जब हम फिल्म देखते हैं तो कुछ यादगार किरदार ऐसे होते हैं जो आप हमेशा याद रखते हैं, या पर्दे के पीछे भी आप उसे इनेक्ट करके लोगों को बताते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है इट डिपेंड्स। इनकी प्रोडक्शन हाउस 25 इयर्स से सक्सेसफुल फिल्म बना रही है, मान लीजिए किसी आर्टिस्ट का करियर काफी लंबा, जैसे अमित जी का करियर है या शाहरुख सलमान का, तो इतना लंबा करियर अगर सक्सेसफुली जाता है तो क्या इसके पीछे मंत्र होता है? यहाँ तक आने के लिए बहुत मुश्किलें आती हैं, इट्स नॉट वेरी इजी जर्नी, बट हेड्स अप टू देम एंड जीवी फिल्म्स, एंड इट्स एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन, बिकॉज इस सेलिब्रेशन का हिस्सा होना भी मुझे लगता है इट्स एन ऑनर टू बी। व्यूवर्स अलग है और वहाँ की मेकिंग भी बहुत अलग होती है, तो जैसे मैंने बाहुबली देखी थी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने किक बॉलीवुड की देखी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो डिपेंड्स ऑन स्क्रिप्ट और आप किस तरह से वो बनाते हैं उस पर भी बहुत निर्भर करता है। थैंक यू। Performing Amal and the very talented new singers and music writers, and we're celebrating, and it's always a good to be a part of a good celebration. I'm busy with Deliwali Thakur girls and no time for anything else.
Of course, yeah, you never know if then we'll be apart. Unfortunately or fortunately, we're always working on something or the other. तो जब हम साथ में फ्री हो जाएंगे एंड कुछ बहुत अच्छा ऑफर होगा तो साथ में करेंगे. थैंक यू. सही जवाब मिल जाएगा. नहीं लेकिन मैं क्वेश्चन था. हंसन भी है. कौन? बची? हंसन ना कॉल्ड. जी किस प्रोडक्शन हाउस पहला ब्रेक लिया था? मुझे सबसे पहले एड फिल्म में ब्रेक मिला था, वो था व्हाइट लाइट फिल्म, शुभीर एंड नौमिता करके डायरेक्टर थे. माय फर्स्ट प्रोजेक्ट आई वाज लॉन्च बाय एकता कपूर एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हर. आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ आप काम करते हो तो एक आप अच्छे आर्टिस्ट बन पाते हो एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट एकता लॉन्च मी बिकॉज आई थिंक शी इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑन इंडियन टेलीविजन. ये 25 इयर्स है प्रोडक्शन हाउस का, जो सिल्वर जी, तो इतना लंबा कैरियर जो होता है या प्रोडक्शन हाउस का या आर्टिस्ट का जी, क्या मायने रखता है, क्यों होता है इतना लंबा कैरियर, क्या चाहिए? Whatever career, whatever field you are, you have to be focused and dedicated and hardworking. So, अगर 25 साल अगर किसी production house या actor ने बिताया है तो it's a combination of all these things. Otherwise, last करना possible नहीं. Yeah, I think as Amir said, GV Films and Anna, I think they must be having a great understanding and they must be very focused to have a association for 25 years. It's great. Yeah. Thank you.
great company and now they're venturing into Bollywood, into Hindi films. And hopefully the success that they have faced in the Marathi cinema and Tamil cinema will continue in Bollywood as well. I didn't know that. Tamil, Telugu and Kannada. क्या होता है इतने लॉन्ग ड्यूरेशन का, या प्रोडक्शन हाउस हो या आर्टिस्ट हो, एक्टर एक्ट्रेस हो, इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का सक्सेस का मंत्र क्या होता है? नॉट टू टेक क्रिटिसिज्म टू सीरियसली, दैट इज द मंत्र ऑफ द सक्सेस. मेरे ख्याल से कंटेंट और बहुत ही फिल्में, दे आर डूइंग वेल. आई सॉ फिल्म, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, वेरी कॉन्फिडेंट. कनु एज मनु रिटर्न, सो दे आर ऑल कंटेंट विद फिल्म. इट्स अ ग्रेट टाइम. तो मेरे पास एक तरह कोई अच्छा और यूनिक सब्जेक्ट लेके आएगा. ऑफर्स तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन आई वॉन्ट टू बी वेरी कॉन्शियस इन चूजिंग द राइट सब्जेक्ट, राइट फिल्म. Because I think mythological figure hai, bahut interesting figure hai. She was a very powerful woman. She was a very strong woman. In my mind, she was extremely strong. Thank you so much. के बारे में भी मैं जानती थी और मैं बहुत खुश हूँ कि 25 इयर्स कोई कई बार सस्टेन नहीं कर पाते. ये प्रोडक्ट मतलब इतने कांग्रेचुलेशन टू हिम. Because you, my God, the man who's been so many chartbusters one after the other, who's got music in his rung, number one in our putter, and of course, number one, number two, number three on the charts, music composer, performer. Armaan Malik is going to be performing in less than 10 minutes from now. Stay tuned, please come back inside. It's going to be a big time guy, Armaan Malik. लॉन्ग ड्यूरेशन की सक्सेस के लिए क्या जरूरी होता है, या आर्टिस्ट हो या प्रोडक्शन हाउस हो? कंसिस्टेंसी, आपकी लगन बहुत जरूरी होती है. कि आप किसी चीज को लेके कंसिस्टेंट हैं वो बहुत जरूरी होती है. अगर बीच में आप हार मान जाते हैं कि अरे कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आप 25 क्या 2 साल भी आगे नहीं बढ़ सकते, 25 घंटे भी आगे नहीं बढ़ सकते. तो आई थिंक कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क. थैंक यू श्वेता. मैं आपको मेरा सवाल फिर से करना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा
यहाँ पे वेबसाइट भी लॉन्च होने वाला है, तो आप इंटरनेट के कितने एडिक्टेड? देखिए, मैं आजकल की दुनिया में हर कोई इंटरनेट के से एडिक्टेड होता है. 3G नहीं आए तो लोग पागल हो जाते हैं अपने फोन पर. तो अगर ये वेबसाइट लॉन्च करें, ये बहुत अच्छी बात है और आज के जमाने में बहुत जरूरी भी है. और ऑफकोर्स 25 साल हो गए हैं तो नया नया कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे. अब एक नई उनके सक्सेस में एक नया स्टार लगने वाला है. सो ऑल द बेस्ट फॉर द वेबसाइट. थैंक यू. अभी तो बेगूसराय खत्म हो जाए पहले. सी, एक्चुअली आई नो दब्बू जी वेरी वेल for a very long time, and I was very surprised when he got into Tamil, because Tamil, Telugu and Kannada I have done in South, and I have kind of done a lot of ad films and international ad films. So Dabbuji, I know him very well. So he said, actually I don't go for any events, but I'm come here to share happiness with Dabbuji, and I'm very happy for Aman. I saw him perform for the first time and I think he's got a huge potential. He's doing very well. So I was very surprised, in fact, to see Aman and all that kind of a thing. So what I feel is I'm here to share the happiness and my great respect for Dabbuji and everybody out here, because a lot of South people are coming out here to promote Hindi talent. That is very, very good for our Hindi film industry also. And I'm very excited and I hope them all the best. Already, already all the movies basically are in production. I'm doing J Returns at the moment. I'm doing Red. Already the shooting is on, actually. So when the shooting is on already, and what is happening is we'll shortly give you. I'm coming from shoot. All right, ladies and gentlemen, final announcement. I request my friends from the media and all our friends. What I am looking at is here too. I came to celebrate Dabbuji's happiness and all that, but already I'm coming from shoot J Returns and Red. Basically I'm doing in Gujarat, so now it's like nearly 60% over, and Red, which is a tribute to Indian journalism and Gandhiji, which will be webcasted on 2nd of October, trailer is going to be done soon. So I think the 2-movie shoot will be over by then. So next year you'll see 2 releases. First, it will be released in Hollywood as Academy Award. Then it will be released in India after 4 months, after going through all the it's not a festival movie, it's like Academy movie. That is the thing. Absolutely, I'm promoting Get Connected Talent all over India in 20 key cities, and here we are doing a talent search for between 14 to 18 years. And what we're doing is we're having direct office in all these places, so through the web app they can apply with the ID in every field of media. So basically, if I can start my business at 14, why not them? So I started my business at 30, in fact. So I see that there's a huge potential, and there's a right platform, a general platform for all of them. It's like company Total Presentation Devices Limited, a public limited company which has got offices in UK, Germany, Singapore, Hong Kong, UAE, Dubai, and many other countries. So I feel that I can use my international exposure to produce many albums, produce many songs, make them work in the regional movies also. And at the same time, make them do Bollywood, because Bollywood is very small in the international market. So I'm looking at Tamil movies also, I'm looking at Telugu also, I'm looking at Kannada. I've already done 11 movies, so it is not new for me, actually. My last question is, as a woman, you are an exceptional. How does it feel to be an achievement? I feel achievement and achievers are two different things. Achievement is something in past. To achieve more, I have many hurdles and many platforms to cross, basically. So I will not talk about what is achieved, because I'm the inventor of video conferencing technology, and which introduced in the world. So I'm one of the inventors in the technology. But I have achieved that. But I have to be achiever in this filmmaking also, Bollywood filmmaking also. So I am looking for being an achiever there. So I feel that, with the blessing of elders and good people association, a talent also in India, I hope I'm able to bring